सजे लागल चौक चौराहा पर सपना के दुकानदारी, सियासी सौदागर निकल पड़े करे खातिर खरीदारी। अब तो सपना देखे से भी डर लागता, अब तो सपना देखे से भी डर लागता। आपन शहर सौदागर वाला घर लागता, गोर लागता नहीं। यहाँ से अभिनंदन बाबू लोग के अपना कार्यक्रम जौना के नाम हो खूटा ठोक के। बिहार के राजनीति में जहाँ बड़ा भाई छोटा भाई के बात चलत रहा, वो बात के अब एक स्टेज और आगे बढ़ा दी। अब एजा जौन स्थिति बा के का कतना आपन जलवा दिखाई, मैजिक दिखाई, बायोस्कोप दिखाई और कैसे अपना बात के जनता से मनवाई, ए पर पूरा फोकस होके लागल बा। जहाँ एक तरफ रुआ देखले हो कब कि चुनाव के 2 महीना पहले इतना संकट और कष्ट में कोरोना डलले बा, ओकरा बावजूद चुनावी तैयारी में कोनो कमी नहीं होत। हर राजनीतिक दल और गठबंधन अपना अपना हिसाब से तैयारी शुरू कर ले बड़े। एक में सबसे आगे अगर कहल जाओ तो सत्ता में बैठल दल बड़े, लेकिन आपस में उनकर जौना तरीका के गठबंधन बा, जौना तरीका के आपस में सामंजस्य बा, ओकरा में बड़ी भारी कमी नजर आवता। ये बात के भी लोग के डर भय निखे लागत कि आपसी सामंजस्य के अभाव में कहीं ऐसा तो ना कि विरोधी हावी हो जाए और विरोधी के फायदा मिल जाए। ये सबसे अलग आपन आपन सियासत आपन आपन राजनीति करे के सारा लोग तैयारी शुरू कर दिले बा। लगातार रुआ लोग के सामने हर वो बात हमने के रखे के प्रयास करते हैं जा जौना बात से रुआ सीधा सरोकार बा और रुआ कौना आधार पर वोट करब, आंकड़ा के आधार पर होके या फिर जौना आधार पर होके, स्पॉट पे जाके जमीनी सच्चाई दिखावे के बात होके, उकरा से लेकर के और स्टूडियो में आंकड़ा के हिसाब से सर्वेक्षण करना, सोशली सारा कलेक्शन करके आंकड़ा के हिसाब से समझाना, सब हमनी के तैयारी करके और रुआ लोग के सामने पहुंचा रहा बन जा। अब एक बड़ा बात बा कि आखिर बिहार में जो राजनीति चल रहा बा वो कौना करवट बैठी। एकरा में सबसे बड़ा बा कि बड़ भाई छोट भाई से गुरु और चेला वाला बात भी आ गई बा। रुआ लोग के याद हुई कि चेला मुड़ले रही नीतीश कुमार जी 2015 में 2 गो, लेकिन चेला कहीं ना कहीं स्वाद में चीनी होके लगले और नीतीश कुमार जी के डर भय हो गई कि कहीं ऐसा ना कि चेला चीनी हो जास आ गुरु जी के आगे बढ़ जास। मौका मिलल और नीतीश कुमार जी अपना के अलग कर लेनी, हालांकि अलग करना भी उनकर कम घातक ना भइल। कहीं ना कहीं अपना खातिर वो अपने उबिरवाई बोले ले जौन लतर के तरह उनका के घेर लेलस। अब स्थिति बा कि जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार जी के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के जबरदस्त सामना करे के पड़ता, ओजे उनका दल में भी अब दूसरा पीढ़ी के, दूसरा खेमा के, दूसरा लाइन के जो नेता बड़े वो अब तैयारी कर दिले बड़े। चाहे चिराग पासवान होखस, पप्पू यादव होखस या फिर आशुतोष कुमार से लेकर के और जितना भी युवा नेता के रुआ बात कर ली, मुकेश सहनी के बात कर ली, उपेंद्र कुशवाहा के बात कर ली, माधव आनंद के बात कर ली या फिर रुआ कांग्रेस में सेकंड लाइन के नेता के देख ली, मदन मोहन झा के रुआ देख ली, इस सारा लोग अपन अपन तैयारी कर रहा बा और सब तैयारी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के घेरे के सारा व्यवस्था हो रहा। लेकिन एक में एक और बात बड़ा महत्वपूर्ण बा कि ये पूरा तैयारी में जो सबसे ज़्यादा दमखम के चौधरी के तरह बैठल बा अपन खूटा गाड़ के भारतीय जनता पार्टी, उस सब में चुपचाप चुप्पी साध करके और नीतीश कुमार के बैनर पोस्टर से ऊपर अपना के निकाल रहल बा। रुआ पता बा कि बिहार में नीतीश कुमार के सबसे बड़ा नाम बा और ये नाम के लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दब जाता, भारतीय जनता पार्टी के नेता दब जाता रहे और कुछ कहे के भी उनका मन करता तो वो खुल के निखन कह पावत कि कौन बात नीतीश जी के अच्छा लग जाए, कौन बात बुरा लग जाए और वो अच्छा बुरा के फेर में कहीं बेचारा वे साइड लाइन मत हो जा। ऐसा बहुत सारा नेता बड़े जिनका मुंह पर टेप तो चिपकले बा, एक संगे संगे उनका के पार्टी आराम से एगो किनारा में रख दिले बा, बक्सा में बंद कर ले बा कि जहिया नीतीश जी के साथ छूटी तहिया वो लोग फिर छू बोल जाए। बड़ा सामंजस्य स्थापित करे के होला जब गठबंधन होला। ऐसने कुल बात महागठबंधन में जीतन राम मांझी जी बिना
लगाम के घोड़ी छोड़ देते रहन मौके घोड़ी, और एक अंजाम का भी रुआ लोग के पता बा कि महागठबंधन छोड़ करके अब एनडीए में अपन स्थान सुरक्षित करे में लागल बा। हालांकि नीतीश कुमार जी के साथ हमें मिल रहा बा, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ उतने मिल रहा बा जितना वो अपना मन मिजाज से चाहत रहन। कारण कि उनका पता बा कि जीतनराम मांझी उहे हवे जौन बीच रास्ता में नीतीश कुमार जी के जबरदस्त झटका दिले रहन। जब नीतीश कुमार जी के बनावल मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठावल उनकर बात माने से इनकार कर दिले रहन, तौना घड़ी से नीतीश कुमार जी के साथ 36 के आंकड़ा चले लागल रहे। एक बार फिर नीतीश कुमार जी के करीब पहुँचल बड़े जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार जी उनका पर भरोसा दिखावत रहे, लेकिन ई क्षणिक बा। कारण कि नीतीश कुमार जी उनका के हथियार के रूप में इस्तेमाल के लिए बड़े, ऐसे केहू इनकार ना कर सकेला। चिराग पासवान जौना तरीका से लगातार 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से नीतीश कुमार पर हमला करते रहे हैं, ये बात से सबके पता बा कि का कुछ हुई। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला सब कुछ कहला के बाद, तय कैला के बाद भी फिर से भंडोल हो गई बा। चिराग पासवान माने के तैयार नहीं खन, और ऐसा स्थिति में उनकर बात ना मानना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में दुराव के कारण बनत जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपना रणनीति से जरा भी पीछे नहीं के हटत। पूरे पटना राजधानी भर में पोस्टर जौन लागल बा, वो पोस्टर में बड़ाई तो नीतीश कुमार के हो रहा बा, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा जौन बा वो नरेंद्र मोदी के पटना के गली गली में अब लागे लागल बा। अपन अपन तरीका होला, अपन अपन रणनीति होला। रउआ अगर अपना के बड़ करे के बा तो रउआ थोड़ा सा झुके के पड़ी, और ई काम भारतीय जनता पार्टी खूब बढ़िया से जानेला। वक्त के कैसे प्रयोग कई जाला ई भारतीय जनता पार्टी के खूब बढ़िया से आवेला, और एकरे चिंता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के शुरू हो गिल बा। नीतीश कुमार जी के पार्टी जन एग्रेसिव होकर के बात करत रहे, वो बात अब ओजे तमा गिल बा। एगो बात बहुत महत्वपूर्ण रुआ से कहे जा रहा बानी कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीति में जौन की भीतर खाना से बात आ रहा बा, एगो बहुत बड़ा बात बा, वो बात ई बा कि वो नीतीश कुमार के नीति जौन रहला वो नीति के पूरी तरह से समर्थन करता, लेकिन इस समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के अपन व्यक्तिगत फायदा और मानसिकता मनसा बा। का रास्ता बा तो नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार के लड़ाई के दो खेमा में रखल चाहत रहे। लालू भर से नीतीश के लड़ाई के दूसरा कोण पर जाए दिहल नहीं खन चाहत, और यह कारण बा कि केहू के आगे बढ़े और पनपे नहीं खन दे। अब यह बात हथियार के रूप में प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपन स्वार्थ और गोटी लाल करके फेरम बा। वो कैसे हुई तो वह सामान्य सा बात समझ ली कि जहां जहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के पार्टी के युद्ध हुई, चुनावी युद्ध के हम बात करते नहीं, रणनीति के बात करता नहीं, ओजा ओजा भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपना के शामिल करे के तैयार नहीं थे। यदि आरजेडी के 140 सीट मिला था, चाहे 140 सीट पर चुनाव लड़ा था, तो 140 सीट में से दो चार पांच को सीट छोड़ करके बाकी सारा सीट पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के टीम के लड़ावे खातिर वही इंतजार में बा कि जहां जहां आरजेडी लड़े ओजा सामने सामने नीतीश कुमार के भिड़ा दिहल जाओ, और बाकी के संगठन के जितना दल लड़स ओजा वो अपने चुनाव लड़े। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस सीधा लड़ाई से अपना के अलग करके और अपन सीट बढ़ावल चाहता। भारतीय जनता पार्टी के सोच बा कि कांग्रेस जहां से लड़े चुनाव ओजा से लड़े, आरएलएसपी जहां से चुनाव लड़े ओजा से लड़े, वीआईपी जहां से चुनाव लड़े ओजा से लड़े, या फिर लेफ्ट अगर रहता महागठबंधन में ओजा से जहां से चुनाव लड़े ओजा से लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच के जो टसन बा, तेजस्वी यादव के जो मुख्यमंत्री बने के जिजीविषा बा बनावे के उनकर उनका पार्टी के उनका परिवार के जो मकसद बा, वो मकसद में दो मुख्यमंत्री के सामने सामने भिड़ंत करा दो। ए भिड़ंत में जे जीत के बाँच गई ओकरा संगे समझौता कभी भी हो सकेला। अब ये कितना असरकारक बा इरुआ खुद समझ सकेले, और ये रणनीति पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी खातिर काम कर रहा बा। और यह कारण बा कि लाख अपना पर औगार सह के भी, लाख आरोप सह के भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के छोड़ल नहीं खे चाहत। कारण कि रुआ लोग से पहले भी कहले रही कि अब की हाली 2020 के चुनाव बहुत कुछ कह रहा बा, और अंदेशा व्यक्त कर रहा बा कि बिहार के जनता जो चुप्पी सरले बाड़ी, वो चुप्पी के मकसद बहुत कुछ होला। वो चुप्पी
कहीं बिहार में एक वैसन विकल्प मत सामने दे देवे जौन आप विकल्प से सरकार बने के जौन अंक चाहिए अंक गणित बा वो कमजोर पड़ जाए और ऐसा भी स्थिति मत पैदा हो जाए कि वो अंक गणित के जोड़ घटाव गुना भाग करे में कोनो गठबंधन या दल सक्षम ना हो खस। भारतीय जनता पार्टी किनारे बैठ करके पहले वह लड़ाई के जैसे बिल्ली के लड़ाई में अलग बैठ करके और बंदर चुपचाप से देखत रहे, लास्ट में फैसला में सारा खाए के ओकरा मिल गई और दोनों फुक्काटा हो गई। वही तरीका से आरजेडी और जेडीयू के लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी आपन स्वार्थ और फायदा देख रहा बा। अभी फायदा कितना हुई, इस परिणाम में कितना कन्वर्ट हुई, ये तो वक्त बताई, लेकिन रणनीति सीधा सीधा यह बा और रणनीति पर कहीं ना कहीं ये बात के समझ में आ गई बा आरजेडी के भी। ये लड़ाई नीतीश बनाम लालू होके जा रहा बा और नीतीश बनाम लालू के लड़ाई में 2015 से अलग बिहार के जनता कैसे ये दोनों आदमी के जो 2015 में जनादेश देले रहे ओकरा से अलग होकर के दी, इहो एगो बड़ा प्रश्न बा, इहो लोग के सामने सवाल बा और रुआ लोग के ही वोट देवे के बाद अपन सरकार बनावे के बाद देखे वाला बात हुई कि रुआ लोग केकरा के कैसे जितावतनी और एगो मजबूत बिहार के विकास के रास्ता पर विकास के अंतिम पैदान तक ले जाए वाला सरकार चुनौतनी। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी रहुए जिम्मेवार कारण कि अलग अलग राजनीतिक दल अपन उम्मीदवार और प्रत्याशी तो लेबे करी हैं, लेकिन फैसला रहुआ करे के बा और बहुत सोच समझ के करे के बा। कैसन लागल खूटा ठोक के जरूर बताई सब है, कारण कि रुआ लोग के विचार और फीडबैक बड़ी जरूरी होला, वह हमनी के जीवनदायनी शक्ति और ऊर्जा के स्रोत हो। कमेंट में रुआ जो कुछ भी लिखल चाहते नहीं लिखी जरूर, कैसन लागल विश्लेषण जरूर बताई सब है और संगे संगे एगो निहोरा बा कि अपना भारत लाइव के जब हेरा के करीब राखी ले तो एकरा के सब्सक्राइब करे के और एकरा संगे संगे एकरा के अपना और करीब करे खातिर करीबी लोग के हित नाता गोतिया पटीदार संगी सलेहर जे भी बा उनका से सब्सक्राइब करवाई और घंटी दबवा दी जौन से कि मुफ्त में फ्री में बिना दाम ढेबुआ खर्चा कैले रुआ लोग के सारा खबर घरे बैठल प्राप्त हो जाए। गोड़ लागत नहीं, बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।